आज आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की पूरी। आलू की पूरी के लिए मैंने दो कप जो है आटा लिया है, 10 आलू लिया है। आलू को उबाल के मैश कर लिया है, इसमें नमक भी डाल लिया है स्वाद अनुसार। थोड़ी सी धनिया पत्ते लिए हैं, 2 प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्च, 1 सूखी मिर्च, सबको मैंने चॉप कर लिया है। अब पहले मैं पूरी के लिए डो बनाऊंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंद लूँगी इस तरह से। बिल्कुल तैयार है, अब इसको थोड़ी देर आराम करने देती हूँ और चलिए अगले प्रोसेस के लिए। तो ये जो आलू को मैश करके रखा है मैंने, इसको अब फ्राई में चढ़ा दिया है। अब इसमें तेल डाल रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। चॉप किया हुआ प्याज डाल रहा हूँ, साथ थोड़ी सूखी मिर्च मैंने इसको भी डाल रही हूँ। बिरयानी सुनहरा हो चुका है, उसको मैंने निकाल लिया है। इसको भी इसी में मैश कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा मेरा आलू का भुर्ता, आलू का चोखा। चुका है बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट तैयार हुआ है। और ये भुर्ता भी परफेक्ट तैयार है। तो अभी इसको इस तरह से ये बिल्कुल कटोरी की तरह बन गया, इसमें इस तरह से भरूंगी। एक उंगली से चापते और दूसरे इस तरह से इसके मुंह को इस तरह से बंद करूँगा। तो देखिए इस कर लिया है पूरी के। देखिए से इस पर हल्का बेलन चलाऊंगी ताकि पूरी फूटने न पाए। इस तरह से जोर बेलन चलाने से पूरी फूट सकती है। तो देखिए मैंने इस पर बिल्कुल हल्का बेलन चलाया है। मैं इस पूरी को तवे पर बना रही हूँ। तेल को मैंने पका के रख लिया है, अब हल्का हल्का तेल इसमें इस तरह से डाल रहा है। बहुत ही बेहतरीन सारे पूरी को मैं बना लूंगी। तैयार हो चुकी है
इसको अचार के साथ खाइए, आमले के अचार के साथ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आप भी ज़रूर ट्राई करें।